गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एल के जी, सब्जेक्ट स्पोकन हिंदी, 28 नवंबर 2020। आज का जो टॉपिक है वो है तिरंगा। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा भी कहते हैं, तीन रंग की खैतीस पट्टिया के बीच नील रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इस तिरंगा के तीन रंग हैं, ऊपर है गेरुआ, बीच में है सफ़ेद और नीचे है हरा। ये जो गेरुआ रंग है वो है त्याग के प्रतीक, सफ़ेद रंग है शांति की प्रतीक एंड नीचे जो हरा रंग है वो है विश्वास के प्रतीक, और बीच में है सफ़ेद रंग में जो अशोक चक्र है वो है प्रगति और उन्नति का प्रतीक। ठीक है, तो ये रहा तिरंगा के बारे में कुछ बातें। थैंक यू।